नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। 26 जनवरी के दिन राजधानी दिल्ली में लाल किले पर चढ़कर जिस तरह से उत्पाती किसानों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की और तिरंगे का अपमान किया, वो सभी तस्वीरें और वीडियो आप सभी से अब छिपी नहीं हुई है। अब दोबारा से कुछ ऐसा उत्पात राजधानी दिल्ली में ना मचे, इसके लिए किसानों के भेष में छिपे उपद्रवियों को दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोकने के लिए जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर कीले और बैरिकेडिंग लगाकर राजधानी के अंदर शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए, जिसकी चर्चा हर जगह रही। और अब दिल्ली पुलिस की नकल उत्तर प्रदेश में भी होने लगी है। दिल्ली पुलिस के जैसा बंदोबस्त धर्मनगरी वाराणसी में भी देखने को मिला, उसी तरह से कीले और लाल पीले रंग में रंगे बैरिकेड्स भी देखने को मिले। लेकिन वाराणसी में ना ही किसानों ने कोई धरना दिया है और ना ही वो यहाँ उत्पात मचा रहे हैं, तो फिर ये सब किसके लिए? बता दें कि दिल्ली पुलिस की ये नकल यूपी पुलिस नहीं बल्कि पीएम मोदी के बबुआ की समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। सपा के पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने गाजीपुर बॉर्डर पर लोहे की कीले लगाने का विरोध करने के लिए अपने ही घर के सामने उन्होंने कुछ इस तरह से बॉर्डर बना दिया और विरोध करना शुरू कर दिया। इसी के साथ सपा नेता ने पोस्टर भी लगाए जिसमें उन्होंने लिखा कि नो एंट्री फॉर बीजेपी। सपा नेता के साथ उनके घर वाले ही खड़े नजर आए और प्रदर्शन का हिस्सा भी बने और कहा कि बीजेपी नेताओं का प्रवेश अब उनके घर में वर्जित है, उनका परिवार किसानों के साथ खड़ा है। लेकिन अब सपा के पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा से सवाल ये है कि 26 जनवरी को उत्पाती लोगों ने जब लाल किले को शर्मसार किया तब वो और उनकी पार्टी के नेता कहाँ थे, क्योंकि उन्होंने उस घटना का विरोध करने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा। क्या वो उत्पाती किसानों का समर्थन करते हैं जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया? आप क्या सोचते हैं किसानों के नाम पर इस तरह की ओछी राजनीति करने वाले दलों को लेकर जो दूर दूर से किसानों के नाम पर खुद की राजनीति को चुल्लू भर पानी पिलाने के लिए ऐसे काम करने में अब जुट गए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।